हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता, क्लास 11th, बिजनेस स्टडीज, चैप्टर 1, वीडियो 9. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. वैसे पहले की वीडियोस में भी प्रोफेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, बट कुछ बुक्स में प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट के करेक्टरिस्टिक्स अलग से प्रॉपरली दिए हुए हैं. सो आई एम ऑल्सो कवरिंग इट इन डिटेल. तो आप सब अभी तक कई वीडियोज़ देख चुके हैं, तो आप सबको आइडिया है कि प्रोफेशन का क्या मतलब है. प्रोफेशन का मतलब है स्पेशलाइज्ड लोग जिनके पास कोई टिपिकल स्किल है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बॉडी से उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया है, क्वालिफिकेशन ली है, और उसके बेसिस पर वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को और अपनी फीस चार्ज कर रहे हैं. दे आर प्रोफेशनल्स. मैं इसको पढ़ रहा हूं अब आपके लिए, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसको मेरे साथ पढ़िए. प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. अब नेचुरली जैसे मैंने यहां पर डॉक्टर और वकील दो पिक्चर्स दिखाई हैं आपको, तो स्पेशल नॉलेज है ना, हर कोई ना तो वकील बन सकता है ना हर कोई डॉक्टर बन सकता है. वो बात अलग है कि आप बोलेंगे सर हर कोई ट्रक भी नहीं चला सकता, बात बिल्कुल ठीक है. तो क्या ट्रक ड्राइवर भी प्रोफेशनल है? The answer is both yes and no. Professional है इस sense में कि वो expert है, उसके पास एक skill है. But answer no है क्योंकि as such driving का कोई certificate, कोई recognized body नहीं है government की तरफ से. मतलब कि कुछ features कुछ लोगों में मिलते हैं और कुछ features नहीं मिलते हैं. तो इस video में ध्यान से पढ़िए, assignment में भी आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं. जब तक वो सारे फीचर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक हम उसको प्रोफेशन नहीं मानेंगे, चाहे हम उसको रियल सेंस में, रियल लाइफ में प्रोफेशनल माने. राइट. सो प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन. ये उनका बिजनेस है, एक तरह से ऑक्यूपेशन है, वे ऑफ अर्निंग लाइफ है कि वो कैसे पैसा कमा रहे हैं. ये वो सिस्टम है टू अर्न फीस. नेचुरली वो अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री एग्जाम्पल्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर प्रोफेशनल्स, वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ऑडिट करते हैं. देन वी हैव डॉक्टर्स, आप सबको मालूम है डॉक्टर्स के बारे में. एंड देन वी हैव लॉयर्स, एडवोकेट्स, ये लोग कोर्ट में लोगों के बिहाफ पर सिविल एंड क्रिमिनल एंड अदर टाइप्स के जो भी हैं केसेस लड़ते हैं. तो क्लाइंट इनको अप्रोच करता है और ये कुछ फीस लेके क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, ऑडिट करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है. तो इन सब लोगों के पास तरीका क्या होता है कि ये प्रोफेशनल्स को अप्रोच करें, अपनी बात बताएं, जो भी हेल्प चाहिए वो लें और रिक्वायर्ड एग्रीड फीस उनको पे कर दें. ये प्रोफेशनल्स की वर्किंग का मैकेनिज्म है. अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की बात करें तो सबसे पहले बात यही सामने आती है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि एक पूरा सिलेबस है किसको क्या पढ़ना है. सो प्रोफेशन हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज लर्न थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज. अब जैसे अगर किसी को एडवोकेट बनना है तो आमतौर पर LLB का कोर्स होता है जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, फिर उनको प्रैक्टिस करनी होती है. इसी तरह से अगर किसी को CA बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में एडमिशन लेना होगा. इंडिया में एक ही बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है. इसी तरह से ये चलता है. तो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, प्रेस्क्राइब्ड एग्जाम्स हैं. सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी ना, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई वकील नहीं बन सकता. तो इसीलिए मैंने लिखा है नॉट एवरी पर्सन कैन बिकम ए प्रोफेशनल. एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सम एग्जामिनेशन और डिग्री. कोई ना कोई एग्जाम होता है. अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना आपको कि जो ट्रक चला रहा है वो भी अपने आप में एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल है, क्योंकि ये काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता, इतने बड़े बड़े भारी भारी ट्रक्स चलाना. लेकिन फिर भी उनको हम स्ट्रिक्ट सेंस में प्रोफेशनल नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई एग्जामिनेशन बॉडी नहीं है जो प्रॉपरली पूरे इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स को रेगुलेट कर रही है. इवन मेरे को तो लगता है जो हेयर सैलून के अंदर होते हैं स्पेशलिस्ट, वो भी तो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी प्रोफेशनल है. अगर टेढ़ा मेढ़ा बाल काट देंगे ना तो आप सड़क पे नहीं चल पाओगे, है ना. इंटरेस्टिंग है ना एग्जांपल. तो वो भी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उनको भी हम प्रोफेशन नहीं मानेंगे. वो उनका बिजनेस ही है, एक तरह से ऑक्यूपेशन में ही आएगा, प्रोफेशन में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी इंडिया में उनको कंट्रोल करने के लिए कोई एक रेगुलेटेड बॉडी नहीं है. जबकि अगर हम CA की बात करें, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो CA के अंदर
एक इंस्टीट्यूट है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके अलग अलग बिल्डिंग्स हैं अलग अलग शहरों में। आई मीन टू से कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, यही पूरा प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, पूरी इंडिया में एक ही बॉडी है ना। ऐसे ही डॉक्टर्स की भी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ही एडवोकेट्स की बार काउंसिल होती है, तो एक ये लोग एक एग्जाम एक कंट्रोल रखते हैं। सो मैंने ये लिखा है, एन इंडिविजुअल कैन एंटर अ प्रोफेशन लाइक सीए डॉक्टर ओनली आफ्टर डूइंग फॉर्मल एजुकेशन, मतलब प्रॉपर उसको एक एजुकेशन ट्रेनिंग एग्जाम जो प्रिस्क्राइब्ड है, अपनी मर्जी से कुछ करने से नहीं होगा। अब मान लेते हैं सीए इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं जी 2.5 साल की ट्रेनिंग करो, सीए के पास करो, ये सीखो, तो वही करना पड़ेगा उनको। अगर वो बोलते हैं 15 दिन का कंप्यूटर कोर्स करो तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको सीए नहीं मानेंगे। तो जो कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड है वो सारा करना पड़ता है, और इनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जैसे मैंने बोला, वही इनकी एंट्री रेगुलेट करती है, एग्जाम लेती है, इनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है, कोड ऑफ कंडक्ट देती है, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल फिर से सीए का सामने आ रहा है, तो सीए का क्या है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये याद कर लीजिएगा नाम, एक दो एग्जाम में लिखने जरूरी होते हैं। इसी तरह से अगर हम एडवोकेट्स की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इस तरह से अलग अलग रहता है कि अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना होगा, और वो देखते हैं कि हाँ आपने प्रॉपर पढ़ाई की है, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, जो भी रेगुलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे पूरे करने होते हैं, उसके बाद ही एंट्री जो है वो मिल पाती है, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मैंने पहले भी बताया होगा, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट है डूज एंड डोंट्स। जैसे हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में एक नियमावली लगी होती है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, व्हाट अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू, उसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो टाइम से आए, ठीक से पढ़े, डिसिप्लिन में रहे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहे, नीट एंड क्लीन रहे, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, प्रॉपर अटेंडेंस हो, प्रॉपर एग्जामिनेशन हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, व्हाटएवर। एंड डोंट्स, वो किसी के साथ फाइटिंग ना करे, कोई चीटिंग ना करे, है ना, फीस की पेमेंट में डिले ना करे, विदाउट यूनिफॉर्म ना आए, कुछ स्कूल्स में रूल्स होते हैं कि मोबाइल ऑफिस स्कूल में ना लेके आए, एंड सो ऑन, कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे ही जो प्रोफेशनल्स हैं, इनके रेगुलेटर उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, और ये प्रोफेशनल एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी कि भी डॉक्टर्स हैं वो ये करेंगे, अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, किसी से ओवर फीस चार्ज नहीं करेंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे, है ना, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स को पब्लिक नहीं कर देंगे उठा के। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर माना किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिसाइज कर दे, सारी दुनिया को बता दे, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी प्रोफेशनल्स को अपने क्लाइंट्स की सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है, तो बहुत सारे इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर लगाए जाते हैं। सो मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट इट्स मेंबर्स, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, मेंबर्स और ऑफ द प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द कोड सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। नेचुरली उनको प्रॉपरली वो फॉलो करना होता है, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है, तो एक तरह से सारी पढ़ाई बेकार हो सकती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट की प्रॉपर रिस्पेक्ट होती है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी कुछ भी करता रहे, राइट। और फिर सर्विस मोटिव तो है ही ना प्रोफेशनल्स में, पैसा लेने को कोई मना नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि अगर आप प्रोफेशनल बन गए हैं तो फ्री में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, या डॉक्टर से ये नहीं कहा जाता कि आप फ्री में पेशेंट्स को देखें, या एडवोकेट से ये नहीं कहा जाता कि आप फ्री के अंदर अपने क्लाइंट्स के केस लड़ें, आप एक रीजनेबल फीस लें, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए नहीं है। मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि क्लाइंट को डरा धमका के ज़्यादा डबल पैसा ले लें, है ना, या कोई चीज़ की जरूरत नहीं है फिर भी उसकी वो ट्रीटमेंट करके उससे वो पैसा ले लें, एटलीस्ट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोफेशनल्स। सो एवरी प्रोफेशनल शुड ट्राई टू सर्व, कहीं ना कहीं सेवा भाव, सर्विस मोटिव होना चाहिए डेडिकेशन के साथ, एंड हिज मोटिव शुड बी सर्विस। सो टास्क ऑफ ए डॉक्टर इज टू इंश्योर दैट हिज पेशेंट्स गेट क्योर्ड क्विकली, और इनको बदले में मिलता क्या है, फीस। एक प्रोफेशनल का रिवॉर्ड रिटर्न क्या है, उसकी फीस। ये तो सिंपल सी बात है। जहाँ तक नेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल्स कोई सोना चांदी तो बेच नहीं रहे हैं, दे आर डूइंग द कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइसेस, सो दे प्रोवाइड्स एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, राइट। चलिए नाउ हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखिए एम्प्लॉयमेंट है नौकरी। जब कोई आदमी किसी दूसरे की प्रमाइसिस में जाकर, आमतौर पर तभी नौकरी होती है, वैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी आ रहा है लेकिन उसमें भी ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, कभी कभी कुछ दिन आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप नौकरी करते हैं किसी एम्प्लॉयर के पास, तो उसकी प्रमाइसिस में जाकर आप जॉब करते हैं, जैसा वो जो काम बताता है वो करते हैं, नेचुरली वो एक एग्रीड काम होता है, ये बात भी है। यानी कि जो नौकरी लेते वक्त आपने डिस्कस किया था वही काम आपको बताया जाता है आमतौर पर,
अनलेस कि आपसे ही बात करके जॉब का प्रोफाइल चेंज किया जाए। तो जैसा मैंने कहा, नौकरी का मतलब क्या होता है, आप एक फिक्स टाइम पर फिक्स जगह यूजली रोज जाते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड एम्प्लॉयर ने काम आपको बताए हैं, जैसे बताए हैं वैसे आपको करने होते हैं, और आमतौर पर जो पेमेंट है वो एक रेगुलर इंटरवल जो कि यूजली मंथली होती है आपको मिलती है। तो जो जॉब करता है वो एम्प्लॉय और जिसके यहाँ वो नौकरी करता है वो एम्प्लॉयर, राइट। सो अब इसको पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से मैंने समझाया आपको। सो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करें। देखा जाए तो जो डॉक्टर है, CA है, एडवोकेट है, वो अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन जब आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप दूसरों के लिए काम करते हैं और आपकी जो इनकम है वो सैलरीज वेजेस के रूप में आती है। वेजेस आमतौर पर एक टर्म है जो लेबर क्लास को जो पेमेंट मिलती है उसके लिए यूज की जाती है आमतौर पर, नहीं तो सैलरी बोलते हैं। जो लोग एंगेज कर रहे हैं ऐसे लोगों को वो एम्प्लॉयर्स, और जो एंगेज हो रहे हैं, जो काम करेंगे, वो एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। उनके डेजिग्नेशंस या पोस्ट अलग अलग हो सकते हैं, क्लर्क, पियोन, असिस्टेंट मैनेजर, इवन डायरेक्टर्स भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको एक तरह से अपने एम्प्लॉयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से तय हो गई कि एम्प्लॉय ने कितने बजे ऑफिस आना है, कितने बजे जाना है, कौन से दिन उसकी छुट्टी होगी, कितनी उसको सैलरी मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारी बातें इसके अंदर फिक्स होती हैं। सो एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू एंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि राइटिंग में कोर्ट पेपर पे होगा, बट एक अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉपर, है ना। सो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिसाइड होती हैं। रिवॉर्ड का जहाँ तक सवाल है, इसमें तो सैलरी मिलती है जी, और मैंने लिखा यूजली ऑन मंथली बेसिस, ऐसा कोई रूल नहीं है, सैलरी रोज भी मिल सकती है, सैलरी साल में एक दिन भी मिल सकती है, सैलरी का कोई भी सिस्टम हो सकता है, बट आमतौर पर जॉब्स में सैलरीज मंथली बेसिस पे मिलती है। अगर हम नेचर वर्क की बात करें, तो इसमें जो भी एम्प्लॉयर ने अपना काम बताना है आमतौर पर वो उसकी ट्रेनिंग भी देगा और आपको अपना काम सिखाएगा। सभी ऑफिसेज में ये कल्चर होता है कि एम्प्लॉयज़ जब अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। सो द ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड देन द एम्प्लॉयज़ सपोज टू डू द जॉब एज ट्रेन्ड, जो उसको सिखाया गया। जहाँ तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जॉब में तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपको पैसे मिलेंगे ही, इसमें कोई रिस्क भी नहीं। आमतौर पर आप जॉब कर रहे हैं तो महीने के एंड में सैलरी मिलती है, अनलेस की कंपनी डूब जाए, और वो एम्प्लॉय को तो वैसे भी पता चल जाता है जब वो कंपनी में होता है, तो उसको एक आइडिया होता है कि येस दिस कंपनी इज़ नॉट गोइंग फाइन, तो इन दैट सिचुएशन वो फिर वो कंपनी क्विट भी कर देता है। तो एज सच अगर हम देखें तो इसमें कोई ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, राइट। चलिए ये हो गया कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो एम्प्लॉयर के भी होते हैं, नहीं इतने बजे लंच करना है, कई ऑफिसेज में होता है कि फॉर्मल ड्रेस में ही आना है, कई जगह तो यूनिफॉर्म ही होती है। अब अगर हम एयरलाइंस की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म में ही रहना है और इतने ही बजे लंच करना है, इतने बजे आना है, इस दिन छुट्टी रहेगी, व्हाटएवर, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी व्हाटएवर, हर कंपनी के अपने रूल्स रहते हैं। एंड क्वालिफिकेशन, आमतौर पर क्वालिफिकेशन तो एम्प्लॉयर खुद ही जज कर लेते हैं ना, आपको जब जॉब पे लगाएंगे तो, अब जैसे स्कूल्स हैं तो वो पहले से बोलते हैं कि हाँ जी टीचर बीएड की भी हो, है ना, कॉलेज के अंदर जो है अपने अलग एग्जाम्स पास करके ही प्रोफेसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, डॉक्टर्स के पास MBBS की डिग्री हो, वकील है तो LLB, जॉब तो वकील भी करते हैं ना, दूसरी कंपनियों में एज एन एम्प्लॉय भी जॉब करते हैं, या माना कंपनी को अपना अकाउंट्स मैनेजर चाहिए तो हो सकता है वो कहें कि जो CA क्वालिफाइड है वो उनको चाहिए। तो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वो तो फिर कंपनी की जॉब की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जॉब मिलती है, है ना। सो इतना ही था इसमें, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल ईजी। असाइनमेंट भी आपके पास अवेलेबल ही है, उसमें से आप पढ़ लें, और अगर आप एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आप मेरे से 9810398903 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। और वैसे इसमें प्रॉब्लम आएगी क्या, इतना तो आसान है, पढ़ते जाइए। मेन चीज़ क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में हम अच्छे से लिख पाएँ, हमें को सब चीज़ें याद हों, आई बिलीव दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस स्टडीज़, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस फंक्शंस एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। थैंक यू।